सोने की कीमतों को लेकर देश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही पूरे देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू होने जा रही है और इसके बाद देश के हर कोने में सोने का रेट एक ही मिलेगा। ऐसा होने पर सोने के कारोबारियों और ज्वेलर्स को भी आसानी हो जाएगी। इसे लागू करने के लिए देश भर के तमाम बड़े ज्वेलर्स भी सहमत हो गए हैं। सोने की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लाई जा रही वन नेशन वन रेट पॉलिसी को जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल यानी कि GJC ने भी सपोर्ट किया है। इसका मकसद पूरे देश में सोने की एक समान लागू करना है। ये पॉलिसी लागू होने के बाद खरीदार दिल्ली मुंबई चेन्नई या कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में सोना खरीदें या फिर किसी छोटे शहर में, सोने की कीमत उन्हें हर जगह एक चुकानी होगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार नेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाएगी जो सभी जगह सोने की बराबर कीमतें तय करेगा। साथ ही ज्वेलर्स को इसी कीमत पर सोना बेचना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2024 में होने वाली मीटिंग में इसका ऑफिशियल ऐलान किया जा सकता है। GJC ने देश भर के प्रमुख ज्वेलर से राय ली है और फिलहाल इसके लागू होने के बाद किस तरह की चुनौतियां आएंगी, उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस बात पर डिस्कशन हो रहा है। अभी फिलहाल देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतें अलग अलग होती हैं। सोने और चांदी के रेट पर हर राज्य के अलग अलग टैक्स के अलावा कई और तरह की चीजें जोड़ी जाती हैं, जिसके कारण अलग अलग राज्य में इन कीमती धातुओं के दाम अलग अलग हो जाते हैं। वन नेशन वन रेट पॉलिसी के लागू होने से सभी कस्टमर्स समान तरह से ट्रीट किए जाएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो आप देश के किसी भी कोने में सोना खरीदें, आपको एक समान कीमत ही मिलेगी। टैक्स और बाकी खर्चों के नाम पर ज्वेलर्स मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे, यानी इससे ट्रांसपेरेंसी में इजाफा होगा। रेट स्ट्रीमलाइन होने से गोल्ड मार्केट एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही असमानताएं खत्म होने से सोना सस्ती कीमत में मिलने की भी उम्मीद है। एक समान कीमत से मनमानी कीमत वसूलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक समान कीमत होने से गोल्ड को लोग सस्ते में खरीदकर दूसरी जगह महंगे में नहीं बेच पाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस नीति के देश भर में लागू होने से सभी ज्वेलर्स को एक समान कंपटीशन का माहौल मिलेगा। फिलहाल अभी सोने की कीमत की बात करें तो 15 जुलाई को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,890 रुपए है। वहीं चांदी की बात करें तो इसके दाम भी 91,827 रुपए प्रति किलोग्राम है। पिछले कुछ समय में दोनों कीमती धातुओं के दामों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ने भी सोने चांदी की कीमतों को बढ़ाने में ट्रिगर का काम किया है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स इसे सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं और इसकी खरीदारी बढ़ी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बिजनेस वर्ल्ड की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल।